होमगार्ड सैनिकों के लिए कॉल आउट ड्यूटी रोटेशन नियम सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसको लेकर सारे सैनिकों में रोष व्याप्त है। इसी के चलते रतलाम जिले में अनेकों होमगार्ड सैनिकों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा है। होमगार्ड सैनिकों ने विधायक हर्ष विजय गहलोत को ज्ञापन सौंपा है। उक्त ज्ञापन के माध्यम से सैनिकों ने बताया कि होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधक मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा होमगार्ड कॉल आउट ड्यूटी रोटेशन पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। सन 2011 से हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश पर रोटेशन पद्धति बंद किया गया था। सैनिकों ने नियम को समाप्त कर नियमित कॉल आउट ड्यूटी जारी रखने और आदेश को तत्काल प्रभाव से शिथिल और समाप्त करने की बात कही है। रतलाम से 9 होमगार्ड सैनिक यहाँ पर आए थे विधायक साहब से मिलने के लिए कि अभी हमें कुछ समय पहले पता चला, जानकारी मिली है कि हम लोगों को 10 महीने नौकरी और 2 महीने का कॉल आउट किया जा रहा है, तो इसमें घर की स्थिति से पूरा विलंब पूरा इधर डाइवर्ट हो जाता है। तो हमारा यह सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों को 12 ही महीने कंटिन्यू नौकरी के लिए रखें और हमेशा के लिए रखें। ये हम लोगों को 12 बजे कभी तनख्वाह की परेशानी, कभी किस चीज़ की परेशानी, ये हम लोगों को टाइम टू टाइम ही परेशान और मानसिक प्रताड़ित हमको लोगों को करते रहते। तो हमारा एक ही निवेदन है सरकार से कि हम लोगों को रेगुलर करें और यह बात हमारे आगे तक और हमारे आगे तक पहुँचाए। इस दौरान विधायक हर्ष विजय गहलोत ने कहा कि यह नियम बिल्कुल गलत है, सैनिकों को 12 महीने काम दिया जाना चाहिए। ये हमारे सारे होमगार्ड के जो सैनिक हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सरकार का कोई आदेश निकला है, 12 माह पूरे साल भर के, उसमें केवल 10 महीने का सभी हमारे इन होमगार्ड जवानों का जो सीमा तय की गई है 10 महीने की साल भर में, वो मैं मानता हूँ कि ये एक तरीके से गलत है और सभी को समान इनको रखा जाना चाहिए। 12 महीने साल भर का 2 महीने का काटे जाना ये न्यायोचित नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या होमगार्ड सैनिकों की मांग पूरी की जाती है या नहीं। जेएसआर टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट।